जय माता दी। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एशिया ऑन व्हील्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। दोस्तों जम्मू कश्मीर से एक दुखद न्यूज़ निकल कर आई है, जिसे सुनने के बाद आप में से कुछ भाइयों को बुरा लगेगा। हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू के एयरपोर्ट को सभी के लिए कुछ दिनों तक बंद करने का फैसला लिया है। तो इस वीडियो में हम आज इस टॉपिक पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे यदि आप माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए वीडियो को पूरी देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, माता रानी के सभी भक्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं एयरपोर्ट को जम्मू कश्मीर सरकार ने क्यों बंद करने का फैसला लिया है। एक्चुअली दोस्तों बात ऐसी है कि आपको बड़े अच्छे से पता है कि जम्मू कश्मीर थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने यह फैसला लिया कि जम्मू के एयरपोर्ट पर रनवे की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि जम्मू एयरपोर्ट को कुछ दिनों तक बंद कर दिया जाए, जिससे वो लोग वहाँ पर मरम्मत का काम पूरा कर लें। दोस्तों इस टाइम यदि आप माता वैष्णो देवी आने का मार्च में प्लान बना रहे हैं और वो भी फ्लाइट से, तो मैं आपको बता दूं कि 9 मार्च से 20 मार्च तक जम्मू कश्मीर का एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा। अब जो भी भक्त माता रानी के दर्शन के लिए मार्च में आने वाले हैं बाय फ्लाइट, तो उनके लिए थोड़ी निराश होने वाली बात है। दोस्तों अब बात करते हैं कोरोना टेस्ट के बारे में। तो अभी भी माता की यात्रा के लिए कोविड की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। यदि आप माता रानी की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको 96 घंटे की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ही लेकर जाना होगा। यदि आप कटरा में जाकर टेस्ट कराना चाहते हैं तो वहाँ भी आपका कोरोना टेस्ट हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पर मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने होम टाउन से ही कोरोना का टेस्ट करा कर जाएं। एक चीज़ और दोस्तों, यदि आप अपने घर से कोरोना का टेस्ट कराकर जा रहे हैं तो आपका कटरा में दोबारा से कोरोना टेस्ट नहीं करा जाएगा। इसकी जानकारी भी खुद श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने दी थी। यदि वहाँ पर कोई आपसे दोबारा से टेस्ट कराने के लिए कहता है तो आप डायरेक्ट जाकर श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से बात कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, माता रानी के सभी भक्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें, और साथ ही साथ कॉमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाकर जरूर जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।